Hi guys, welcome and welcome back to my channel. तो guys, आज के वीडियो में अपना मैं entire clutch collection share करने वाली हूँ और ये सारे clutch जो recently मैंने purchase किए हैं, मतलब ये बोल सकते हैं एक साल का पूरा collection है, मतलब 2021 का सारा collection है जब मैंने purchase किए थे सारे clutch, और उसके पहले वाले clutch जो है वो मैं नहीं दिखाने वाली हूँ, सिर्फ एक को include करूंगी जो कि बहुत ज्यादा खास है. बाकी मैं अभी जो न्यू सारा कलेक्शन है वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, और उनमें से जो भी अगर ऑनलाइन ऑप्शन में होंगे वो भी मैं आप लोग को जरूर दिखाऊंगी कि आप उन्हें ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं. तो सबसे पहले जो क्लच मैं आप लोग को दिखा रही हूँ, वैसे तो मेरे पास ऐसा बहुत सारा ह्यूज कलेक्शन नहीं है क्लच का, जितने भी हैं उतने मुझे बहुत प्यारे लगते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं और मैंने बहुत मन से इकट्ठा किए हैं सारे, तो मैं आपको दिखाती हूँ. सबसे पहला क्लच जो मैं आप लोग को दिखा रही हूँ ये मेरे दिल के बहुत बहुत करीब है. ऐसे बहुत फैंसी क्लच नहीं है, बहुत ज्यादा खास नहीं है, बट ये मेरे लिए इतना ज्यादा खास इसलिए है क्योंकि ये मतलब मेरी एंगेजमेंट के बाद मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट किया था, और मैं जब कानपुर में रहती थी वो दिल्ली में रहते थे यहाँ पे, तब उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया था ये वाला क्लच मेरी शादी से पहले, मतलब मुझे गिफ्ट किया था ये, और 10 साल हो गए हैं इस वाले क्लच को और मैं इसे कभी अपने से दूर नहीं करती हूँ. मुझे बहुत प्यारा लगता है और मेरे दिल के बहुत खास है, चाहे ये फैशन में हो या ना हो मैं इसे हमेशा ही अपने पास रखूंगी. बहुत प्यारा लगता है, गोल्डन कलर का है, बहुत ही प्यारे बीड्स लगे हुए हैं इसमें. पहले स्टेप के क्लच चलते थे बहुत, तब ये लाए नोएडा के अट्टा मार्केट से, मे भी बहुत सुंदर है. अभी अभी क्या है, मतलब खाली है, मैं इसे ज्यादा यूज नहीं करती, बट मुझे लगता है कि अगर मैं अभी भी इसे स्टाइल करूंगी किसी साड़ी के साथ में तो ये बहुत सुंदर लगेगा. तो ये पहला क्लच है जो मेरे सबसे खास है, आप लोग बताना कि ये कैसा लगा. देन मैं आप लोग को अबाउट क्लचेस दिखाती हूँ जो मेरे पास है, जो मैंने ऑनलाइन ऑफलाइन ऐसे खरीदे हैं. सेकेंड मेरे पास ना ये पोटली बैग है, बहुत ही प्रिटी है ये, देख सकते हैं. और कलर मैंने ऐसे लिया ना कि एकदम बेबी पिंक वाला कलर है, बहुत प्यारा, मतलब पीच में लाइट, एकदम पीच वाला पाउडर, पीच कलर जो होता है उस टाइप का कलर है ये, बहुत प्यारा है ये. और ये देख सकते हैं इसकी जो, मतलब इसका जो पकड़ने वाला स्लिंग टाइप का जो दिया गया है हैंडल जो भी है, ये बहुत ही प्रिटी है, मतलब बहुत ही प्यारा, ये पर्ल की मतलब बहुत सुंदर सी लेयरिंग हो रखी. तो इसकी जो ये है, मैंने इसे एक बार ना इसे एक एज ए नेक पीस भी पहन रखा है, मैंने बार पहना था, ये बहुत सुंदर लगता है, यहाँ से निकालने के बाद इसे एज ए नेक पीस भी पहन सकते हैं, तो मैंने पहना था ये. बाकी ये बहुत प्रिटी लगता है, यहाँ पे बहुत ही सुंदर पूरा देख सकते हैं पास से, बहुत ही सुंदर पूरा यहाँ पे मोतियों का काम हो रखा है, बहुत ही प्यारा लग्जूरियस कलर ये, मतलब एक पोटली बैग है और ये मस्ट हैव होते हैं, इस टाइप के पोटली बैग बहुत सुंदर लगते हैं. यहाँ पे पूरे में बहुत ही सुंदर से कुंदन लगे हैं, बहुत ही प्यारी डिटेलिंग दे रखी गई है इस टाइप की, और यहाँ पे छोटे छोटे कुंदन लगे हुए हैं. ये पूरा वेलवेट का फैब्रिक है, बहुत प्रिटी क्लच है ये, पोटली बैग है, क्लच बोल रही हूँ, बार बार मुझे कमेंट करेंगे आप लोग कि क्लच नहीं बोलते हैं पागल, पोटली बैग बोलते हैं ये. अंदर अभी भी इसके सामान भरा हुआ क्योंकि मैंने इसे एक बार भी यूज नहीं किया, इनमें से बहुत क्लच ऐसे जिसने मैंने आज तक यूज ही नहीं किया. एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ पे मेरे यहाँ पे साथियां बहुत कम पड़ती है, मेरे सारे रिलेटिव जो है वो कानपुर में रहते हैं, तो जो भी फंक्शन होते हैं पार्टीज होती है वो कानपुर में ही होती है, वहां पे जाना बहुत कम हो पाता है. यहाँ पे ऐसे कभी फ्रेंड की शादी या किसी और का कुछ हो गया तो मैं चली जाती हूँ, तभी मतलब ये वैसे ही रखा हुआ. ये बैग जो मैंने, ये जो क्लच है ये मैंने लिया हुआ था जनपद में, और एक भैया है, मैं हमेशा क्लच उनके पास से ही लेती हूँ. बहुत प्रिटी क्लच और क्वालिटी वाइज इतने अच्छे वाले क्लच मिलते हैं कि मेरा बस वही फेवरेट है, वो ऑनलाइन भी प्रोवाइड कराते हैं. तो 3 से 4 क्लच जो मेरे पास हैं वो उनके यहाँ के ही हैं, मैं उनका नंबर दे दूंगी, वो व्हाट्सएप पे भेज देते हैं डिजाइन और ऑनलाइन प्रोवाइड करा देते हैं. तो अगर आप मतलब दिल्ली से नहीं है तो आप उन्हें ऑनलाइन भी वहां से परचेज कर सकते हैं. अगर आप दिल्ली रहते तो मैं बोलूंगी जनपद में जो गुजराती लेन है वहां से परचेज कर सकते हैं. मैं कुछ वहां की फुटेज डाल दूंगी तो आप पहचान लेना भैया को, ये भैया की दुकान होती है, या अपने कॉल करके भी जा सकते हैं वहां पे. तो बहुत ही प्रिटी बैग एंड बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में उनके पास बैग्स मिलते हैं. तो दूसरा ये वाला मेरे पास क्लच है, बहुत सुंदर है. इसका प्राइस ऐसे मुझे अभी याद नहीं है, किसी के प्राइस नहीं याद है, जो मैंने दुकान से खरीदे उनके प्राइस तो बिल्कुल नहीं याद है. तो अगर आपको चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट उन्हें इस टाइप का भेज सकते हैं, देन उनके पास से पूछ सकते हैं कि किस प्राइस में था. 400-500 की रेंज में ही होगा क्योंकि बहुत सुंदर है. इस टाइप के आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे अमेजोन वगैरह पे, तो क्वालिटी थोड़ी सी अलग होती है उनकी. इसके पास से देख सकते हैं क्वालिटी बहुत अच्छी, पूरा पर्ल का काम और यहाँ पे कुंदन का काम बहुत ही अच्छी क्वालिटी का हो रखा है. इसमें कलर भी मिल जाते हैं बहुत सारे. नेक्स्ट मैं दिखाऊं इस टाइप का ये क्लच है, बहुत ही सिंपल सा क्लच है, पाउच बोल सकते हैं. और ये मैंने एक जूक का बड़ा सा बैग लिया था, उसके साथ में लिया था मैंने ये उसका. ये बहुत ज्यादा स्पेसियस है, अंदर बहुत सारे कार्ड भी आ जाते हैं इसमें,
बहुत सारे इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती है, मेरी छोटी मोटी फोन भी आ जाता है, आगे भी इस टाइप से काफी था स्पेस है। जूक का ये था, इसका प्राइस साइड से मैं स्क्रीन पर डाल दूं क्योंकि इसका प्राइस भी मेरे को अभी याद नहीं है कि मतलब मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव था क्योंकि क्वालिटी वाइज काफी अच्छा है और ये जूट का बना हुआ है ये बैग। ये मे बी 500 या 700 के अराउंड ये सिर्फ क्लच था क्योंकि क्वालिटी वाइज बहुत। तो ये है दूसरा। तीसरा मेरे पास ये वाला क्लच है, अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो में दिखाया भी था कि मैं अपने फ्रेंड की शादी में गई थी तो इसे लेके गई थी। बहुत ही प्रिटी क्लच है ये और इसका ये हैंडल बहुत सुंदर लगता है और यहाँ पे बहुत सुंदर फ्लावर की डिटेलिंग हो रखी है और शेप बहुत अच्छा है इसका और मुझे बहुत प्यारा लगता है ओवरऑल ये क्लच। अंदर से मतलब इतना ज्यादा स्पेस तो नहीं, इतना स्पेस होता है कि आपका मतलब थोड़ा बहुत पैसे वैसे आ जाए मतलब इस टाइप का होता है, बट ये इस टाइप क्लच जो होते हैं हम सामान रखने के लिए लेते भी नहीं है, हमें सिर्फ स्टाइल करना होता है, सिर्फ हमारी साड़ियों के साथ चल जाए और अच्छा लगे बस ये। तो ये गोल्डन कलर का है तो मुझे काफी सारे मेरे मतलब साड़ियों के साथ चल जाता है, ये सूट के साथ भी अच्छा लगता है, बहुत ही प्यारा लगता है, प्यारा सा क्लच है तो आप इसे ले सकते हैं। ये अमेजन से लिया था मैंने, इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी तो अगर आपका दिल करे तो आप ले लेना, कोई अमेजन का स्पॉन्सर वीडियो बिल्कुल भी नहीं है ये। नेक्स्ट जो मेरे पास है क्लच, ये भाई बहुत प्यारा क्लच है, मतलब मेरा फेवरेट है ये और ये टूबा ब्रांड से है, बहुत बहुत प्रिटी क्लच है ये। मोस्टली मुझे लगता है आपने सभी यूट्यूबर के पास में देख लिया होगा, बहुत प्यारा है ये और ये थोड़ा एक्सपेंसिव है, शायद से 899 समथिंग का मुझे परचेज मिला था ये, बहुत प्यारा है। मैं आपको दिखाती हूँ, अंदर स्पेस ज़्यादा नहीं है बट बहुत सुंदर है, मैंने इसे अभी तक नहीं यूज़ किया, मुझे बहुत जल्दी इसे यूज़ करने की क्योंकि कब इसे लेंगी अपने हाथ में। बहुत सुंदर है ये वाला क्लच जो है, मस्ट बाय पीस है, इसका सेप ही बहुत ही सुंदर लगता है, डायमंड सेप का है ये, बहुत प्यारा लगता है ये वाला क्लच। तो ये मेरा जो है फोर्थ जो क्लच था वो ये वाला क्लच है। नेक्स्ट मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, मतलब इस टाइप का एक जो होता है क्लच, ये इस टाइप का मतलब इसे कुछ लोग क्या बोलूँ मैं, मतलब क्लच बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे आई डोंट नो, बट मैं इसे एज ए क्लच हैंडल करती हूँ तो मैंने इसे क्लच की उसमें ही रखा हुआ है। इसका सबसे सुंदर लगता है मुझे हैंडल जो पकड़ने वाला पर्ल डिटेलिंग के साथ में, बहुत प्यारा लगता है इन सभी के साथ में। आपको बता दूं कि एक स्लिंग आता है इन सभी क्लचेस के साथ में, एक स्लिंग जरूर आता है, हैंड में होल्ड नहीं करना चाहते तो अपने एज ए स्लिंग भी ले सकते हैं। तो ये इस टाइप का है और अंदर ये काफी स्पेसियस है, अंदर इसमें भी इस टाइप से स्लिंग दी गई है, सभी में स्लिंग दी गई होती है। ये मैंने सरोजनी नगर से 500 का परचेज किया था, बहुत प्यारा लगता है ये वाला भी, तो ये बहुत सुंदर है, मेरा ये भी बहुत ज्यादा फेवरेट है, इसे भी मैंने आज तक यूज नहीं किया है, मतलब इनमें से बहुत सारे क्लच है जिन्हें मैंने आज तक यूज ही नहीं किया है। नेक्स्ट मेरे पास ये है पर्ल, पूरा प्योर पर्ल का बहुत ही सुंदर सा बहुत ही प्यारा सा क्लच, ये ऐसा क्लच है, कलर ऐसा है कि मेरे सभी आउटफिट के साथ चला जाएगा, मुझे सोचना नहीं पड़ेगा कि कभी किसी के साथ कुछ मैचिंग नहीं कर रहा तो बस मैं इसे लेके जा सकती हूँ। स्पेसियस बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन ये है कि स्टाइलिश बहुत ज्यादा है ये, तो अंदर से बहुत कम स्पेस है बट है बहुत सुंदर सा, पूरे में पर्ल लगा हुआ है, बहुत सुंदर क्लोज और देख सकते हैं, बहुत सुंदर है ये और ये ऑफ वाइट कलर का है, बहुत प्यारा लगता है ये। इसमें पर्ल तो लगे हुए हैं, उसके साथ साथ में छोटे पर्ल बड़े पर्ल एंड ये नग भी लगे हुए हैं इसके बाद, जिसके साथ ये बहुत ज्यादा सुंदर लगता है ये वाला पर्स जो है। और ये भी मैंने जनपद में उन्हीं भैया के पास से लिया था, मैंने किसी वीडियो में दिखाया भी होगा तो मैंने उन्हीं के पास से लिया था ये वाला बैग। ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव था, 750 समथिंग का पड़ा था, मेरे को भी एग्जैक्ट प्राइस याद नहीं है, अगर आपको चाहिए हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके उनसे प्राइस पूछ सकते हैं, ऑनलाइन से मंगा सकते हैं, क्वालिटी काफी अच्छी है तो मुझे लगता है कि वर्थ करता है प्राइस को क्योंकि क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। तो इसके बाद मैं आपको जो दिखा रही हूँ ये वाला बहुत ही प्यारा वाला क्लच है, बहुत सुंदर लगता है, लुक एट दिस गाइस बहुत सुंदर है ये, पूरा वेलवेट फिनिश में है, उसमें बहुत सुंदर सा ये एम्ब्रॉयडरी हो रखी है, इतना प्यारा लगता है। और इसकी चेन जो बहुत प्यारी लग रही है ये, मतलब पकड़ने के लिए इतना प्यारा लगेगा, जो पर्ल की डिटेलिंग हो रखी है बहुत खूबसूरत है, नीचे दे रखा है पूरा, ये देख सकते हैं मोतियों का इतना सुंदर सा काम, और अंदर मैं बोलूँगी ना स्पेस ज़्यादा नहीं होता इनमें, बट ये है कि आपका थोड़ा बहुत सामान आ जाएगा, फोन भी आ जाएगा, वेलवेट भी इतना अच्छा वाला यूज हुआ है। और ये बैग जो सबसे पहले लॉकडाउन हुआ था उस टाइम पे मैंने भैया के यहाँ से ऑनलाइन ऑर्डर किया था, तो उन्होंने मुझे भेजा था ये बैग, ये वाला जो क्लच है तब भेजा था मुझे, तब से अभी तक मैंने यूज नहीं किया है और वैसे ही रखा हुआ, क्वालिटी बहुत अच्छी है और आया बहुत अच्छी पैकेजिंग में था वहां से, जब मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था, बॉक्स अभी मेरे को मिल नहीं रहा है तो बहुत अच्छी पैकेजिंग में आया, तो ये बहुत सुंदर है। इसका प्राइस तो मुझे बिल्कुल अभी याद नहीं है क्या प्राइस में मंगवाया था, बट अगर आप चाहें तो डेफिनेटली आप ले सकते हैं, आपको ये ना ऑनलाइन अगर आप किसी ई कॉमर्स वेबसाइट से लेंगे उससे काफी सस्ता
सस्ता पड़ेगा उनके पास में ये वाला बैग, ये वाला क्लच जो है, क्योंकि मैंने दोनों के प्राइस चेक किए थे. ऐसे ही सेम मैंने सिमिलर अमेजोन पे भी देखा था, 2000 समथिंग का कुछ था, बट भैया के पास आपको 800, 900 या 1000 के अराउंड ये पड़ जाएगा. एक्चुअली ये वर्थ करता है अपनी क्वालिटी को, क्योंकि क्वालिटी बहुत अच्छी है ये, और ये वर्थ करता है अपने प्राइस को बिकॉज इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, और ये बहुत ही अलग लेवल का लगता है जब आप हाथ में लेके चलते हैं, बहुत सुंदर लगता है ये. इसके बाद मैं आपको दिखाऊँ ये वाला एक क्लच, ये भी बहुत सुंदर है, ये भी उन्हीं भैया की शॉप का है, ये ब्रास में है, बहुत ही प्यारा लगता है ये. आपको इस टाइप के भी क्लच उनके पास बहुत ही अलग अलग वेरायटी में मिल जाएंगे. मैंने उनका पूरे उनके, मैं जनपद का जब भी वीडियो बनाती हूँ, मैंने उनका कलेक्शन हमेशा दिखाती हूँ और हमेशा परचेज करती हूँ, क्योंकि कलेक्शन बहुत ही अमेजिंग होता है. तो इस टाइप के भी आप ले सकते हैं, कि भी बहुत ही अच्छा लगता है. आप इसे स्टाइल कर सकते हैं अपने चिकनकारी सूट के साथ में, जब आप इंडो वेस्टर्न काइंड ऑफ कुछ पहनना चाहें तब उसके साथ में आप इसे कैरी कर सकते हैं, बहुत सुंदर लगता है. और ये ऐसे पीसेज हैं जो कभी आउटडेटेड नहीं होते हैं, इसलिए मुझे हमेशा अच्छे लगते हैं इस टाइप के पीसेज. और मुझे ना क्लच का बहुत ज़्यादा शौक हो गया अभी थोड़े दिन से, मतलब पहले नहीं था, 3-4 साल पहले नहीं था, अभी मतलब 1-2 साल से मुझे इतना शौक चढ़ गया कि मतलब मेरे पास ह्यूज कलेक्शन हो क्लच का एंड बैग का. तो अभी तो मेरे पास इतने ज़्यादा नहीं, बट मैंने और भी बहुत सारे सोच रखे जो मैंने अपने विश लिस्ट में कर रखे, जल्दी ही मैंने ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों जगह से परचेज करने वाली हूँ, वो भी मैं आगे आप लोग से जरूर शेयर करूंगी. तो ये है मेरा ये. अब लास्ट में आपको दिखा दूं, जो रिसेंट मैंने जनपद का वीडियो बनाया था तब मैंने ये परचेज अभी वहां से किया है. ये सेब मुझे इतना प्यारा लगा, ये ढोलक जैसे सेब का जो है बहुत सुंदर, पूरा ब्रास का है, बहुत सुंदर काम हो रखा है. और गोल्डन कलर में मैंने ये बैग ये लिया है, गोल्डन बॉर्डर जो है इसका गोल्डन कलर है. और यहाँ पे देख सकते हैं सिप्पियों का काम हो रखा है, जो कि इतना प्यारा है, बहुत ही सुंदर वाला क्लच है ये, बहुत प्यारा लगता है. और ये साइज से मुझे 1000 या 1200 का समथिंग कुछ था, क्वालिटी बहुत ही अच्छी, अंदर पूरा वेलवेट फिनिश है, और ये फोन भी आ जाएगा अंदर आराम से. इस टाइप का है तो प्राइसी है बट क्वालिटी बहुत अच्छी, और ये मुझे लगता है कि लॉन्ग लास्टिंग पीसेज होते हैं, तो इनमें इन्वेस्ट करना जो है मुझे सही लगता है, कि इनको हम बहुत लंबे टाइम तक स्टाइल कर सकते हैं. तो ये इस टाइप का कुछ है. तो ये था मेरा ओवरऑल क्लच का कलेक्शन, और ये अभी रिसेंट की परचेज जो कि मैंने 1 साल के अंदर मतलब खरीदे हैं वो सारे हैं ये. और बाकी और भी मेरे पास बहुत सारे क्लच है जो मैंने पहले शादी के टाइम पे उसके बाद जो खरीदे थे, और वो जो मुझे अब इतने ज्यादा पसंद नहीं आते हैं, और मुझे मतलब न्यू कलेक्शन लेने का मन करता है. अभी और भी बहुत सारे मेरे विश लिस्ट में हैं जो मैं बहुत जल्दी परचेज करूंगी. तो ये तो क्लच का कलेक्शन था. इसके अलावा मेरे पास बहुत सारे हैंड बैग और टोट बैग्स एंड स्लिंग बैग भी हैं. अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो डेफिनेटली मैं एक सेपरेट वीडियो उसके ऊपर भी बनाऊंगी. और आप लोग मुझे बताइए ना कि इस टाइप के और वीडियोज आप लोग देखना चाहते हैं, जैसे कि मेरा नेकलेस कलेक्शन, मेरा इयररिंग्स कलेक्शन, और अभी मैंने थोड़े दिन पहले ही अपना एक बैंगल कलेक्शन भी शेयर किया है. तो मुझे काफी अच्छा लग रहा है इस टाइप के वीडियो बनाना. और आप लोग बताइए तो मेरे फुटवियर कलेक्शन और अफोर्डेबल प्राइस मैंने कहां से परचेज की, तो आप लोग मुझे अगर कमेंट करोगे तो डेफिनेटली मैं इस टाइप के वीडियोस लेके आऊंगी आप लोगों के लिए. और आज के वीडियो में सबसे प्यारा क्लच कौन सा लगा आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताना. और इनमें से कुछ भी पसंद आता है तो ये सभी ऑनलाइन ही है, आपको कुछ उन भैया के पास से मिल जाएंगे, कुछ आपको अमेजन से मिल जाएंगे, तो आप दोनों में से कहीं से भी परचेज कर ले तो बिल्कुल नो डाउट आपको पसंद है, तो आप परचेज कर सकते हैं. तो फिर मिलती हूं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय.